सबसे अलौकी वीडियो है हमने आज तक देखा है बॉलीवुड के एक्टर्स का टॉप 10 हाईएस्ट पेड सिंगर्स देखने वाले हैं आते हैं वही बता रहा हूँ मुझे पता है हमने आज तक ये देखा बॉलीवुड सिंगर्स को एक्टर्स को देखा या एक्ट्रेसेस को देखा या प्लेयर्स को देख क्रिकेटर्स को देखा कि उनकी हाईएस्ट पेड कितनी है लेकिन आज हम देखेंगे बॉलीवुड के जो सिंगर्स जो इस वक्त रोल आउट कर रहे हैं वो कितने पैसे लेते हैं भाई। तो ये सबसे हटके वीडियो बनाई है जी टॉप 10 हिंदी वाले भाई ने बहुत जबरदस्त वीडियो बनाते हैं तब तो देखते मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ मुझे पता तो लगी यार हमारे अरिजीत सिंह साहब कितने पैसे लेते हैं और कंगना कह रहा हूँ क्या नाम है सुन नेहा कक्कड़ नेहा कक्कड़ कितने पैसे लेती है तो देखते हैं वीडियो और बाद में सुपर बात करते हैं स्टार्ट बॉलीवुड के 10 सबसे अमीर सिंगर्स टॉप 10 रिचेस्ट सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड। दोस्तों एक वो जमाना था जब ज्यादातर प्लेबैक सिंगर्स लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करते थे और बस उनकी आवाज ही उनके चाहने वालों के कानों तक पहुंचती थी। लेकिन अब जमाना बदल चुका है अब प्लेबैक सिंगर्स बैक से निकलकर फ्रंट पर आ चुके हैं। अब सिंगर्स को नेम फेम और वेल्थ सब कुछ मिल रहा है पॉपुलैरिटी के मामले में बड़े बड़े एक्ट्रेस को टक्कर दे रहे हैं तो वहीं दौलत के मामले में भी ये एक्ट्रेस की बराबरी पर आ चुके हैं। आज के समय में सिंगर्स एक गाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं और उनकी सालाना कमाई करोड़ों में होती है। फिल्मों में गाने के अलावा लाइव इवेंट्स एल्बम्स और टेलीविजन से भी इनकी कमाई होती रहती है। सिंगर्स की कमाई जब इतनी ज्यादा हो रही है तो आप भी सोच रहे होंगे कि एक गाने के लिए गायक की फीस कितनी होती होगी और उन गायकों की कुल दौलत कितनी होगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया के 10 सबसे अमीर सिंगर्स और म्यूजिशियंस के बारे में बताते हैं इनकी कुल दौलत कितनी है और एक गाने के लिए कितना चार्ज करते हैं। नंबर 10 अमित त्रिवेदी। अमित त्रिवेदी म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर और लिरिसिस्ट है। 20 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना पहला गाना कंपोज किया। थोड़े समय बाद ही इन्हें थिएटर के लिए म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिल गया। 2008 में इन्हें फिल्म आमिर का म्यूजिक तैयार करने का मौका मिला लेकिन उन्हें इसे ज्यादा पहचान नहीं मिली। फिल्म देवडी इनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ये उनकी दूसरी ही फिल्म थी। अपनी दूसरी फिल्म में ही इन्होंने 2010 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड हासिल कर लिया। इसके बाद अमित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज के समय में ये इंडिया के लीडिंग म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं। बॉलीवुड के अलावा ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। इनका नेटवर्थ लगभग 80 करोड़ रुपए है। नंबर 9 सोनू निगम। जादुई आवाज के मालिक सोनू निगम ने अपनी आवाज से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। वैसे तो इनका समय अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन जब ये अपना करियर के शिखर पर थे तब इन्हें अपने समय का बेस्ट सिंगर माना जाता था। इनके पिता भी गायक थे तो गायकी इन्हें विरासत में मिली थी। इन्होंने 4 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ स्टेज पर गाना शुरू कर दिया। सोनू को बॉलीवुड में पहला गाना ओ आसमां वाले था जो उन्होंने 1992 में आई फिल्म आजा मेरी जान के लिए गाया। पहले गाने के बाद से ही इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एज अ सिंगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 12 से 15 सालों तक इनका दबदबा कायम रहा। इस दौरान इन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए। इनके दर्जनों गाने आज भी लोगों के फेवरेट बने हुए हैं। सोनू निगम की नेटवर्थ लगभग 350 करोड़ रुपए। एक गाने के लिए सोनू निगम लगभग 15 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 8 बादशाह। बादशाह के गानों के बिना पार्टी अधूरी रहती। रैपिंग में हनी सिंह के दबदबे को खत्म करते हुए बादशाह वर्तमान में इंडिया के बेस्ट रैपर माने जाते हैं। 35 साल के बादशाह का असल नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत हनी सिंह के हिप हॉप ग्रुप माफिया मुंडीर के साथ की थी। 2012 में दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। इसके बाद बादशाह ने अपना एक गाना सैटरडे सैटरडे रिलीज किया जिसे उन्होंने खुद ही लिखा और कंपोज किया था। इसके बाद उन्होंने एक और गाना कर गई चुल रिलीज किया जो सुपरहिट साबित हुआ। इन दोनों गानों के बाद बादशाह का करियर परवान चढ़ता गया और आज वो इस मुकाम पर है कि फोर्ब्स इंडिया के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में उन्हें जगह मिल चुकी है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि बादशाह अपने गानों में महिलाओं और उनकी बॉडी को लेकर कई बार बहुत गलत बातें कहते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बादशाह एक गाने के लिए लगभग 11 लाख रुपए चार्ज करते हैं वहीं उनके नेटवर्थ लगभग 110 करोड़ रुपए है। नंबर 7 नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिलहाल नेहा कक्कड़ बॉलीवुड में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली सिंगर्स में से एक है। इन्होंने 4 साल की उम्र से ही भजन गाना शुरू कर दिया था। इन्होंने इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में भी हिस्सा लिया था जहां ये अर्ली स्टेज में ही बाहर हो गई। जिस शो को जीतने का नेहा का सपना अधूरा रह गया आज नेहा उसी शो की जज बनी हुई है। इंडियन आइडल से बाहर होने के बाद नेहा बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाती रही। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और फिल्म कॉकटेल का गाना सेकेंड हैंड जवानी से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हो गई और फिर धड़िंग नाच सनी सनी और लंदन ठुमकता जैसे गानों ने उन्हें बॉलीवुड में सिंगर के रूप में स्थापित कर दिया। आइटम सॉन्ग के लिए मशहूर नेहा को मिले हो तुम हमको गाने ने एक अलग पहचान दी।
उनका ये गाना YouTube पर 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। नेहा कक्कड़ का नेटवर्थ लगभग 25 करोड़ रुपए है और ये गाने के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। हालांकि नेहा के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने ओरिजिनल गानों की जगह बॉलीवुड के पुराने गानों को रीमेक करने पर ज्यादा ध्यान देती है। नंबर 6, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत की गिनती इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लीडिंग आर्टिस्ट में की जाती है। म्यूजिक के साथ ये फिल्मों में भी काम करते हैं। इनकी दर्जनों पंजाबी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी हैं। तो वहीं बॉलीवुड में भी इनकी कुछ फिल्में सुपरहिट रही हैं। दिलजीत ने 2004 में 20 साल की उम्र में अपना पहला एल्बम इश्क दा उड़ा अड्डा रिलीज किया था। इसके बाद 2010 तक ये एल्बम्स रिलीज करते रहे। फाइनली 2011 में पंजाबी फिल्म में इनकी एंट्री हो गई। द लाइन ऑफ पंजाब फिल्म से इन्होंने डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म में इनके द्वारा गाया गाना लक 28 कुड़ी दा सुपरहिट साबित हुआ। 2012 में आई पंजाबी फिल्म चैट एंड जूलियट, इन्होंने मुख्य किरदार निभाया। ये फिल्म पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में बिगेस्ट हिट साबित। इस फिल्म के बाद दिलजीत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2016 में इन्होंने फिल्म उड़ता पंजाब से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद से हिंदी और पंजाबी दोनों फिल्मों में एक्टिव है। दिलजीत दोसांझ का नेटवर्थ लगभग 115 करोड़ रुपए है और ये एक गाने के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 5, यो यो हनी सिंह। आज भले ही हनी सिंह का करियर हिचकोले खा रहा हो, लेकिन कुछ साल पहले तक ये इंडिया के टॉप रैपर और हाईएस्ट पेड सिंगर हुआ करते थे। यही वजह है कि आज भी रिचेस्ट सिंगर्स की लिस्ट में इनका स्थान कायम है। इनका असल नाम हृदेश सिंह है। 2011 में रिलीज पंजाबी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर से उन्हें पहचान मिली। इस पहचान के साथ ही उनका करियर परवान चढ़ा। 2011 में आई फिल्म शकल पे मच्चा से उनके बॉलीवुड सिंगिंग करियर का भी आगाज हो गया। 2012 में फिल्म कॉकटेल के गाने अंग्रेजी बीट से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। 2013 में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लुंगी डांस ने उन्हें पूरे देश का चहेता बना दिया। देखते ही देखते हनी सिंह देश के सबसे महंगे सिंगर बन गए। फिल्म मस्तान के एक गाने के लिए उन्होंने 70 लाख रुपए लिए थे, जो कि अब तक किसी भी सिंगर द्वारा चार्ज किया सबसे ज्यादा अमाउंट। पांचवे की तरह हनी सिंह अपने गानों में महिलाओं को एक वस्तु के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और उनके बारे में कई गलत बातें डाल देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हनी सिंह का नेटवर्थ लगभग 186 करोड़ रुपए है। वर्तमान में ये गाने के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 4, गुरु रंधावा। गुरु रंधावा इंडिया के मोस्ट डिमांडिंग सिंगर है। इनके गाने रिलीज होते ही धूम मचा देते हैं। इनका पूरा नाम गुरशरणजोत सिंह रंधावा था। बोहेमिया के कहने पर इन्होंने गुरशरणजोत को छोटा करके गुरु कर लिया। 2012 में इन्होंने अपना पहला गाना सेम गर्ल रिलीज किया, लेकिन ये फ्लॉप रहा। 2012 से 2014 के बीच इन्होंने कई गाने रिलीज किए, लेकिन इन्हें कोई पहचान नहीं मिली। रंधावा की जिंदगी में बोहेमिया फरिश्ते बनकर आए। बोहेमिया ने टी सीरीज से रिक्वेस्ट करके रंधावा को लॉन्च करवाया। टी सीरीज के लिए रंधावा और बोहेमिया ने मिलकर पटोला सॉन्ग बनाया, जो सुपरहिट साबित हुआ। इसके बाद रंधावा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी तरफ से एक के बाद एक सुपरहिट गाने आते रहे। 2017 में उन्होंने फिल्म हिंदी मीडियम से बॉलीवुड में सिंगिंग डेब्यू किया। इनका गाना हाई रेटेड गबरू यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है। गुरु रंधावा का नेटवर्थ लगभग 26 करोड़ रुपए है। वहीं ये गाने के लिए लगभग 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 3, अरिजीत सिंह। आज के समय में किसी भी गाने को हिट होने के लिए अरिजीत सिंह का नाम ही काफी है। फिलहाल अरिजीत सिंह बॉलीवुड के टॉप सिंगर माने जाते हैं। इन्होंने नेशनल अवार्ड और 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। 2005 में इन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया था, लेकिन वो इससे जीतने में असफल रहे। इनके फिल्मी सिंगिंग करियर की शुरुआत 2010 में ही हुई, लेकिन इन्हें शोहरत मिली 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 से। आशिकी 2 के गाने तुम ही हो और चाहूं मैं याना ने अरिजीत सिंह को वो पहचान दी, जो वो रातों रात देश के चहेते सिंगर बन गए। 2013 के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर साल इनके एक से बढ़कर एक गाने आते रहे। लगभग हर बड़ी फिल्मों में अरिजीत का एक ना एक गाना जरूर मौजूद होता है। पिछले कुछ सालों से फिल्मी गायकी के क्षेत्र में अरिजीत सिंह का एक क्षेत्र राज चल रहा है। इनका नेटवर्थ लगभग 72 करोड़ रुपए है और ये गाने के लिए लगभग 18 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 2, श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों में गाने गा रही हैं। इनकी गिनती मौजूदा समय की बेस्ट फीमेल सिंगर्स के रूप में की जाती है। 4 साल की उम्र में ही श्रेया म्यूजिक सीखना शुरू कर चुकी थी। 2000 में 16 साल की उम्र में इन्होंने सारे गामा पा में हिस्सा लिया और ये शो जीतने में कामयाब रही। इसी दौरान संजय लीला भंसाली की माँ की नजर श्रेया पर पड़ी और उन्होंने भंसाली को इनके बारे में बताया। शो के बाद 2002 में ही श्रेया ने भंसाली की फिल्म देवदास में सिंगिंग डेब्यू किया। इस फिल्म में गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। देवदास के बाद श्रेया पर ऑफर्स की बारिश होने लगी और इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। 2002 के बाद से ही श्रेया लगातार सिंगिंग में एक्टिव है। इनकी ओर से हमें लगातार बेहतरीन गाने सुनने को मिलते रहते हैं। ये अब तक 4 नेशनल अवार्ड और 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुकी है। श्रेया अब तक 19 भाषाओं में गाना गा चुकी है। ये 10 फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में भी जीत चुकी है। इनका नेटवर्थ लगभग 182 करोड़ रुपए है और ये एक गाने के लिए 18 से 20 लाख रुपए चार्ज करती है। नंबर 1, ए आर रहमान। ए आर रहमान इंडिया के इंटरनेशनल स्टार है।
म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्होंने वो उपलब्धि हासिल की है जो इनसे पहले किसी भारतीय ने नहीं की थी। इनकी उपलब्धि को आप इनके अवार्ड लिस्ट से ही समझ सकते हैं। ये अब तक 7 नेशनल अवार्ड, 2 एकेडमी अवार्ड, 2 ग्रैमी अवार्ड, 1 बाफ्टा अवार्ड, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 15 फिल्म फेयर अवार्ड और 17 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जीत चुके हैं। अपने करियर की शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जिंगल्स कंपोज किया करते थे। इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में आई तमिल फिल्म रोजा से हुई। बॉलीवुड में इनके डेब्यू 1995 में आई फिल्म रंगीला से हुआ। ये अब तक अलग अलग भाषाओं में 170 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, पर्शियन, इंग्लिश और चाइनीज फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज और प्रोड्यूस कर चुके हैं। एआर रहमान की गिनती दुनिया के हाईएस्ट पेड म्यूजिशियंस में होती है। म्यूजिक कंपोज और प्रोड्यूस करने के लिए प्रति फिल्म इनकी फीस लगभग 9 करोड़ रुपए होती है। ये गाना गाने के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। इनका नेटवर्थ लगभग 2000 करोड़ जो इन्हें इंडिया का सबसे अमीर म्यूजिशियन बनाता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से आपका फेवरेट सिंगर कौन है कमेंट में जरूर बताइए। और इस तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद भाई। आई एम सरप्राइज। मैं यही सोच रहा था इनका भी होगा 400-500 करोड़, ज्यादा ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो सरप्राइज करके रख दिया है कि 2000 करोड़ रुपए बड़ा, मतलब फिर भी 10-10 करोड़ भी लेते हैं तो 2000 करोड़ ज्यादा है। नेटवर्क भाई वो म्यूजिक देते हैं ना बेसिकली। गाने तो एक गाना अलग अलग बात है, गाने गाने का 20 लाख वो तो है, लेकिन म्यूजिक देना, म्यूजिक पूरी मूवी का म्यूजिक एक बंदे ने देना है। ठीक है, तो वो पूरी मूवी का जो है ना म्यूजिक देता है बंदा। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ है। अच्छा, मैं हैरान हूँ कुछ चीजों के ऊपर कि यार इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही कि शुरू शुरू में ही सोनू निगम आगे थे 300 करोड़ वाले, उसके बाद कोई 80 करोड़ वाला है, कोई 90 करोड़ वाला है, कोई 70 करोड़ वाला है, कोई 110 करोड़ वाला है, कोई 200 करोड़ वाला है। ठीक है, तो वो नंबर वाइज मुझे समझ नहीं आई। आगे पीछे थे। हाँ, अब सोनू निगम 15 लाख रुपए लेते हैं गाना गाने का। अच्छा, वो तो आप कहते तरतीब। हाँ, तो नेहा कक्कड़ की आगे बारी इतनी किसकी आई थी, 8-10, वो 8-10 लाख लेता था। उस तरह भी समझ नहीं आ रही। होता ना कि भाई 300 करोड़, तो भाई 20 साल से बेचारा गाने गा रहा है, तो अभी इसलिए 300 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, चलो फिर समझ आती है कि भाई वो तो गाने की रकम के हिसाब से है। वो एक दिन 15 लाख लेता है, तो अगला 18 लाख लेता है, फिर 20 लाख लेता है, तो समझ में भी आती है। लेकिन यहाँ पे रेटिंग का हिसाब मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, लेकिन ये भी है कि मैं सोच रहा था बेसिकली, पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे लग रहा था इनके भी होंगे तकरीबन 400-500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ का नेटवर्थ होगा सिंगर्स का। एक एक गाने के कम से कम जो है ना 1-1 करोड़ या 70-80 लाख। इतना तो मुझे पता है कि 10-20 लाख से ज्यादा नहीं लेते एक गाने का। वो तो पता लग ही गया, मुझे पहले ही पता था, पहले ही वीडियो पे दिया हुआ था। अच्छा, उसमें भी है वो हनी सिंह 20 लाख थे, तो 12 लाख हनी सिंह 15-20 लाख। लेकिन हनी सिंह ने एक गाने का 70 लाख रुपए लिए हुआ और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडियन। आप बताएं आपको इनमें सबसे ज्यादा हैरान किसने किया, ये आप सब जानते थे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी वाला बाकी सही बात है वो थी अरिजीत सिंह, अचानक ही 2000 करोड़। अरिजीत नहीं, ए आर रहमान, सॉरी ए आर रहमान, मैं कह वही रहा था। ठीक है, तो अचानक ही 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, 2000 सबका भी इकट्ठा करें तो 2000 नहीं बनेगा। सही बात, जितने पीछे 9 गुजरे हैं ना उन सब का टोटल करें और इनका 2000 के साथ करें तो मुझे लगता है एआर रहमान जी जी। क्या ख्याल है? रिचेस्ट सिंगर हम सब की वर्थ के बराबर अकेले की है। तो गाइस, ये थी वीडियो, आपको हमारे संग कैसा लगा जरूर बताइएगा। जानने से पहले आप चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।